हेलो फ्रेंड्स, जीके विजार्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2020 टीयर वन में जीके से पूछे गए सभी प्रश्नों की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, उसके 6 मार्च 2020 को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के सभी एग्ज़ाम्स के जीके के क्वेश्चंस एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है 3 से लेकर 9 मार्च तक की। तो आप अगर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ये आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, माधवपुर मेला खालिस्तान में आयोजित होता है, तो ये गुजरात में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंडक है? आंसर होगा DNA। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति निरंतर बढ़ रही हो, तो केंद्रीय बैंक कर सकता है रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूएन वुमेन ने खालिस्तान के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। आंसर होगा केरल के साथ। अगला क्वेश्चन, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? आंसर होगा 1965-66 में। अगला क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? आंसर होगा सी राज गोपालाचारी। CR का मतलब भी सी राज गोपालाचारी ही होता है। अगला क्वेश्चन, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है? आंसर होगा ताम्र कोपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? आंसर होगा सिरोसिस। इसके अलावा एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस भी, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ संक्रमण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ उनके आंसर टू आंसर ही क्वेश्चन टू आंसर आप लोगों को करा रहा हूँ। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनके बारे में डिटेल से मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो इनके लिए कोर्स लेके आऊँगा, जिसमें आपको हर एक ऑप्शन से संबंधित जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? आंसर होगा जल वाष्प। अगला क्वेश्चन, SDG इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? आंसर होगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? आंसर होगा गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी मेहरुन्निसा, उनको नूरजहां के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र ग्रह आता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ खालिस्तान एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो यूवी रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं?
आंसर होगा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर महाश्वेता देवी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? आंसर नेपाल ने। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368, 368, और ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? आंसर होगा 14001। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? आंसर होगा भीमबेटका की गुफा। अगला क्वेश्चन है, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर होगा अलकनंदा पिंडार। अगला क्वेश्चन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? आंसर होगा चौथ और सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर होगा 1982 में। नाबार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आंसर होगा ग्रास नली, इसोफेगस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? आंसर होगा ब्राह्मणी नदी, जो पूर्व की दिशा में बहती है। इसके अलावा माही, साबरमती और शरावती ये सभी पश्चिम में बहती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? आंसर होगा गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुमायूं और के बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था, यानी कि KVIC ने? तो गुजरात के अंदर यह खोला था। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? आंसर होगा भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 140। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार आग की चेतावनी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना में शीर्ष पर रहा? आंसर होगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आंसर होगा 91.22। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-17 के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? आंसर होगा स्टेफनी लुईस को लेक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाईहारा ओबा उत्सव मनाया जाता है? आंसर होगा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका गलनांक अल्पतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है? तो आंसर होगा टीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने
भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? आंसर होगा मुंबई सेंट्रल। अगला क्वेश्चन, कांच में हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? आंसर होगा कामाख्या मंदिर। अगला क्वेश्चन, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर द्वितीय अर्ल कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के द्वारा वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो आंसर होगा रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? आंसर होगा 1989 में। तो फ्रेंड्स, ये थे 6 तारीख के एग्ज़ाम में, 6 मार्च 2020 को जो SCGL का Tier 1 का एग्ज़ाम हुआ था, तीनों शिफ्टों में जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी ऑफिशियल आंसर शीट आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है इस वीडियो के अंदर। बाकी सभी डेट्स के एग्ज़ाम्स की आप आंसर शीट चेक कर सकते हो, मैंने सभी की वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।